अ लर्निंग एक्सपीरियंस मोर देन बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत कुछ अलग इमोशंस परफॉर्म करने को मिले एंड आई थिंक एज एन एक्टर ग्रो करना इम्पोर्टेंट है एन एक्टर मुझे इमोशनली अपने आप को इंटैक्ट रखना पड़ा इन फॉर द सीन्स बिकॉज इमोशनल सीन्स में करता था रोड पे बट वहां पे रिटेक्स करने पड़े क्योंकि कोई गाड़ी आ गई पीछे या कोई बंदा पीछे बैकग्राउंड में देख के हंस रहा है तो यू नो यू अगेन प्यार जो है वो दोस्ती का एक बहुत अहम हिस्सा है एंड uh, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली लोग यही रिप्लाई करते होंगे प्यार दोस्ती दिव्या जी जो है वो मेरी नेबर थी uh, पंद्रह साल तक अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूं मैं और उससे पहले हम दोनों एक दूसरे को बिल्डिंग के लॉबी में कभी कभी टकराते थे मिलते थे ऐसे कई दिन हुए जहां पर हमारी शूटिंग रोक दी गई है यू नो you know, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, या बीएमसी हो या कोई भी हो या जस्ट सोसाइटी के लोग हो, जो आके कंप्लेन कर रहे हो तो हमारी शूटिंग ऐसी काफी रुकी है तो एज एन एक्टर आपको ये सैक्रिफाइस करना पड़ता है गुस्से को दबा कर रखना पड़ता है और चुपचाप से जाके वैन में बैठ जाना पड़ता है तो रोड रेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ और लाइक एवरी मुंबई कर मेरी खिड़की नीचे होती है दो तीन गालियां निकलती है या वो चिल्लाते हैं या कभी कभी नीचे उतर के झगड़े होते हैं इन दैट सिटी इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस मोर देन आई थिंग बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत कुछ uh, अलग इमोशंस परफॉर्म करने को मिले एंड आई थिंक एज एन एक्टर ग्रो करना इम्पोर्टेंट है एंड ये फिल्म ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है एज एन एक्टर और ऑल्सो एज ए ह्यूमन कैसे मुझे पेशेंट रहना चाहिए इन अ ऑफ सिचुएशंस बिकॉज हमने ये फिल्म जो है रियल uh, लोकेशन्स में शूट की है डेढ़ साल तक एंड uh, आज के टाइम में मुंबई में रियल लोकेशन में शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज एज एन एक्टर मुझे इमोशनली अपने आपको इंटेक्ट रखना पड़ा फॉर द सीन्स बिकॉज इमोशनल सीन्स में करता था रोड पे बट वहां पर रिटेक्स करने पड़े क्योंकि कोई गाड़ी आ गई पीछे या कोई बंदा पीछे बैकग्राउंड में देख के हंस रहा है तो यू नो यू हैल्सो यू नो वेदर आपका सा, साथ नहीं दे रहा तो आपको वो भी यू नो अडेप्ट करना है कभी कभी कोई बी एन सी वाले आके शूटिंग उन्होंने रोक दी तो आपको वापस सेट पे अगले दूसरे दिन आकर फिर वो इमोशन या सीन रिपीट करना है सो इट वॉज वेरी वेरी टायरिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट बट वेरी अ वेरी वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस ये जो फिल्म है ये दर्शाता है आई थिंक प्यार, uh, प्यार जो है वो दोस्ती का एक बहुत अहम हिस्सा है एंड अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली लोग यही रिप्लाई करते होंगे प्यार दोस्ती है बट आई थिंक यू नो मोर देन एनी दोस्ती निभाना इम्पोर्टेंट uh, होता है क्योंकि प्यार तो हो सकता है लेकिन अगर आप वो दिखा नहीं रहे या उसे uh, आपके एक्शंस वैसे बोल नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता सो आई थिंक यू हैव टू सैक्रिफाइस यू हैव टू बी पेशेंट यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ़ कोर्स प्यार तो होता ही है बट आई थिंक ये दो इमोशन हैं जो हाथ हैंड इन हैंड जाते हैं एक साथ एंड ये फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है बिकॉज इसमें प्यार और दोस्ती रिलेशनशिप्स में भी हैं मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में हस्बैंड वाइफ के बीच में कजन्स के बीच में और uh, फैमिली के बीच में सो आई थिंक ये जो पूरा फिल्म का थीम है वो ही प्यार और दोस्ती के पर आधारित है एंड uh, वो बहुत खूबसूरती खूबसूरती से दिखाया गया है फिल्म में आपके जो आतंकिया आपको कैसा लगा है सो है? So, so, दिव्या जी जो है वो मेरी नेबर थी अः आ... पंद्रह साल तक अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ मैं बट उससे पहले हम दोनों एक दूसरे को बिल्डिंग के लॉबी में कभी कभी टकराते थे मिलते थे बट uh, काम करना हुआ नहीं फाइनली यू नो हमने अभी ये फिल्म पे काम किया है वो मौका मिला एंड उनको एज अ एक्टर जानने का मौका मिला एंड आई थिंक वी बिकम क्लोज फ्रेंड्स टूडे एंड इवन पर्ल पर्ल की मुलाकात मुझसे इस फिल्म पर हुई, हुई उससे पहले एक्चुअली आई डिट नो पर्ल एंड फॉलो और मैं काफी करीबी दोस्त बन गए इस फिल्म में एंड वो दोस्ती जो है वो ट्रांसलेट होकर स्क्रीन पर भी आ रही है और लोगों को अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक फिल्म इज़ अबाउट एट द एंड ऑफ़ द डे यारियाँ तो हमारी जो तीनों की यारियां हैं वो फिल्म में आपको दिखेगी आई थिंक ऐसे कई दिन हुए जहां पर हमारी शूटिंग रोक दी गई है यू you नो know, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो या बीएमसी हो या कोई भी हो या जस्ट सोसाइटी के लोग हो जो आके कंप्लेन कर रहे हो तो हमारी शूटिंग ऐसी काफी रुकी और हमने दूसरे दिन या तीसरे दिन या अगले हफ्ते वापस वो लोकेशन पर जाकर शूटिंग खत्म की तो वो यू नो you know, मेमोरेबल रहेगा बिकॉज काफी झगड़े हुए सेट पर यू uh, नो you know, ऐसा हुआ कि कई पुलिस कांस्टेबल हमारे डायरेक्टर्स को खींच के लेके जा रहे हैं यू नो इट दॉर्ड ऑफ इंस्टेंसेस ऐसे जो हुआ है एंड यू नो मैं एज ह्यूमन बीइंग बहुत वोकल हूँ और बहुत रिएक्ट करता हूँ चीजों को तो मुझे अपना गुस्सा दबा कर वैन में जाना पड़ा बिकॉज अगर डर यही होता है कि एक्टर को कुछ हो जाएगा तो फिर शूटिंग तो रुक ही जाएगी यू नो देन देस नो वे आउट तो एज एन एक्टर आपको ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है गुस्से को दबा कर रखना पड़ता है और चुपचाप से जाके वैन में बैठ जाना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में बट uh, बहुत uh, सारी लर्निंग एक्सपीरियंसिस हुए एंड लाइक ए सैड कि यू नो इमोशनली ड्रेन हो जाता है इंसान फिर वापस आकर वो इमोशन रिपीट करना वो सीन वापस दोहराना तो वो डिफिकल्ट हो गया था बट दीज मेमरी ऑल्सो मेक यू अ बेटर ह्यूमन बींग एंड अ बेटर एक्टर तो आई थिंक इस सबसे मैं काफी कुछ सीखा हूँ एंड ज़िंदगी भर ऑब्वियसली ये फिल्म फिल्म तो करीब ही रहेगी मेरी, बिकॉज़ डेढ़ साल लग गए गए, इस फिल्म पर। आपने बोला कि आप आप काफ़ी और 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 शांत करना पड़ता, बॉम्बे <laughs> मुझे तो रोड पे ड्राइव कर रहा हूँ या अगर मैं गाड़ी में भी बैठा हूँ मेरे ड्राइवर के साथ तो रोड रेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ और लाइक एवरी मुंबई कर मेरी खिड़की नीचे होती है दो तीन गालियाँ निकलती हैं या वो चिल्लाते हैं या कभी कभी नीचे उतर के झगड़े होते हैं एंड दैट्स इट और फिर हम आगे अपने लाइफ में मूव ऑन हो, जा, हो जाते हैं बट ऐसा बहुत होता है बिकॉज आई थिंक मुंबई की एक इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ मुंबई सिटी के सब अपने लाइफ में इतने बिजी हैं इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं इतने तो वो कहीं ना कहीं रास्ते पे वो फ्रस्ट्रेशन उतरता है या गुस्सा लोगों पे उतरता है